तो दोस्तों, अगर आप चेक करना चाहते हो लोन इन्फॉर्मेशन बजाज फाइनेंस का, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बजाज से फाइनेंस करवाया है, कोई भी एक बाइक खरीदी हुई है और आप उसका लोन इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल चेक करना चाहते हो, तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो और ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। अभी हम इसे ओपन कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आपको बताते जाएंगे वैसे आपको यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैंड परमिशन, यानी इस ऐप को अब हम परमिशन दे रहे हैं। कुछ इस तरह से आपको परमिशन देते जाना जो भी मांगता है। यहाँ पे अभी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो हम इंग्लिश ही रहने देंगे। यहाँ कंटिन्यू, ये कन्फर्म है ना, कन्फर्म कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए कन्फर्म है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ फिर से अलाउ कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर डालना है। जब आपने फाइनेंस करवाया था तब आपने एक मोबाइल नंबर दिया होगा, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आइए हम नंबर इंटर करते हैं। दोस्तों, नंबर इंटर करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये OTP डालने के लिए एक स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसे यहाँ पे इंटर करना है। 31 35 33 कुछ इस तरह से इंटर करने के बाद ये जो नीले वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऐप ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं वेरीफाइड OTP आ गया, कंग्रेचुलेशन योर नंबर इज वेरीफाइड, क्लिक कंटिन्यू टू लॉग इन। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन योर नंबर इज वेरीफाइड, क्लिक कंटिन्यू टू लॉग इन। तो अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस बटन पे। अभी देख सकते हैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट करते जाना है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट 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 स्किप कर देंगे, अभी थोड़ा लोडिंग लेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कई ऑप्शन नज़र आते हैं देखने के लिए। जैसे पहले तो आपका यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा, जिसके नाम पर बाइक होगी या फाइनेंस जिसके नाम पे हुआ होगा उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ जाएगा। थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अप्लाई फॉर लोन, यहाँ पे कस्टमर प्रोफाइल नोटिफिकेशन। कस्टमर प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर की पूरी डिटेल ओपन हो जाती है, जैसे कि कस्टमर का क्या नाम है, यहाँ देख सकते हैं कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, पूरी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप व्हीकल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी गाड़ी फाइनेंस कराई हुई है, ख़रीदी हुई है बजाज के थ्रू, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ देख सकते हैं बजाज का ये जो भी है गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ठीक है, गाड़ी का नंबर जो भी है सो हो जाता है। उसके बाद अब हम यहाँ लोन इन्फॉर्मेशन एक सेक्शन नज़र आएगा। यहाँ देख सकते हैं लोन इन्फॉर्मेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, अभी हमारे लोन से संबंधित पूरी जानकारी शो कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर लोन अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, फिर लोन स्टेटस क्या है, एक्टिव है, लोन अमाउंट कितने का था वो दिखाई देगा, यहाँ पर EMI अमाउंट कितना है, यानी आपको कितना EMI कटता है, और जो EMI कटेगी वो किस डेट को कटेगी, यहाँ पर देख सकते हैं EMI किस डेट को स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे ये देख सकते हैं EMI स्टार्ट डेट, EMI एंड डेट, यहाँ पर क्लिक करके यानी ये जो डेट है इस डेट को EMI ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। EMI कैसी है, मंथली है, 6 महीना है, 3 महीने पर कितने पे, यहाँ देख सकते हैं मंथली है, कितने मंथ का EMI बंधा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 hours मंथ मतलब 24 महीने का है। थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बैलेंस लोन टर्म, यानी 20 अभी बाकी है, 4 EMI कट चुकी है, ठीक है।
तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं फर्स्ट ईएमआई कितना कटी थी, आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन बजाज फाइनेंस से लोन इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर विजिट करें, वहाँ भी हमें फॉलो कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।